जय हिंद। मैं राहुल पांडे वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल फैन व्लॉग्स पर। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बांकेगंज से लगा करके मैलानी के बीच में जो रेल विद्युतीकरण का कार्य हुआ है उसकी ताज़ा अपडेट दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, हमारी 0586 लखनऊ मैलानी अनारक्षित विशेष ट्रेन बांकेगंज रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर चुकी है मैलानी की दिशा में। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो पर बने रहिए। देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी को मास्ट में एंगल होल्डर्स ब्रैकेट्स नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा लखीमपुर से बांकेगंज के बीच में सियाचिन से स्पीड ट्रायल 25 नवंबर 2021 को हो चुका है, और इस वीडियो में हम आप सभी को दिखाएंगे कि जो वायरिंग का कार्य है वो कहां तक ख़त्म किया गया है बांकेगंज रेलवे स्टेशन से। तो आप लोग वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, बांकेगंज से जब आप मैलानी की दिशा में बढ़ेंगे तब 12 किलोमीटर की रेंज में एक जंगल पड़ जाता है, तो जंगल से पहले तक वायरिंग की गई है, मगर दोस्तों जंगल में NOC नहीं मिली है, तो उसके कारण जो वायरिंग का कार्य है वो रुका पड़ा हुआ है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम आप सभी को जंगल से पूरा व्यू दिखाएंगे कि जंगल के अंदर मास्ट लगाए गए हैं और मास्ट में होल्डर ब्रैकेट्स एंगल और अर्थिंग पट्टी लगा दी गई है। दोस्तों, हमारी ट्रेन जंगल की तरफ बढ़ रही है, देख सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप लोग भी हमें वीडियो बना करके भेजना चाहते हैं तो आप लोग भी वीडियो हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को वीडियो के शुरुआत में मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9026015641। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमें कहीं से किसी भी रेलवे स्टेशन से वीडियो बना करके भेज सकते हैं। दोस्तों, यहां से जंगल समाप्त होता है। अब हम लोग मैलानी की दिशा में बढ़ रहे हैं। यहां से मैलानी की दूरी 1.5 किलोमीटर के आसपास में है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जो वायरिंग का कार्य है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। सिर्फ दोस्तों जंगल के अंदर ही वायरिंग का कार्य होना बाकी है। जब तक दोस्तों NOC नहीं मिल जाएगी तब तक जंगल के अंदर जो वायरिंग का कार्य है वो नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जैसा जो कुछ भी होगा हम आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखा देंगे। दोस्तों, इसी वीडियो में हम आप सभी को मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी दृश्य दिखाएंगे कि वहां पर किस तरीके से जो वायरिंग का कार्य है वो हुआ है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारी ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रेल फायर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं वो आप सभी लोगों से फ्रेंड्स मिस ना हो। दोस्तों, हमारी ट्रेन मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एंट्री कर चुकी है। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा और यहां पर देख सकते हैं मास्ट में किस तरीके से वायरिंग की गई है। दोस्तों, मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वायरिंग का कार्य पूरी तरीके से कंप्लीट है, देख सकते हैं। और यहां पर दो फ्लैट वैगन भी खड़े हुए आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, इसी फ्लैट वैगन पर जो मीटर गेज के विस्टाडोम कोच हैं वो लाए गए थे और एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई जा रही है, देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी हुई है जो कि दोस्तों जमालपुर से आई है। दोस्तों, ये क्रेन दोस्तों जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उनमें काम आती है। जैसे कि कोई दुर्घटना लखनऊ मैलानी सेक्शन पर होगी तो ये इसी काम में यूज़ आएगी। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम आप सभी को ऐसी ही अच्छी अच्छी अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों, हमारी ट्रेन मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रही है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद है दोस्तों ये आप सभी को अपडेट
अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।